सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से आप अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरा लाइव डेमो फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से आप एक्सिस बैंक का बैलेंस कैसे चेक करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन पर वहाँ पर जाना है आपको। अब यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन पे पहुँच गया। आपको अपना डेबिट कार्ड एक्सिस बैंक के मशीन में आपको डालना है। जैसे मेरा डेबिट कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के मशीन पे डेबिट कार्ड यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। डेबिट कार्ड को सीधा डालना है क्योंकि नंबर्स को सीधा होना चाहिए, तभी डेबिट कार्ड वहाँ पर लेंगे। चलिए मैं डेबिट कार्ड को यहाँ पर फटाफट डाल देता हूँ। डेबिट कार्ड के दे देंगे, कुछ समय आपको यहाँ पे वेटिंग करना है या आपके पास पूरा डेमो खुल कर जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा आपको लोडिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन आ रहा है, आपको फर्स्ट बटन यहाँ पे प्रेस करना है। फर्स्ट बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ देखिए आपको एंटर योर पिन, आपका जो एटीएम कार्ड का पिन वो पिन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट बटन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट बटन से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे देखिए प्लेस योर ट्रांजेक्शन, ये लोडिंग आपको लेगा। यहाँ पे लोडिंग लगा, जैसे देखिए मेरे अकाउंट में यहाँ पे ₹10 बैलेंस बचा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एटीएम करके कुछ बैलेंस मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, इसलिए मैंने आपको बैलेंस मैंने चेक करके दिखाया। आई होप आप लोग समझ गए किस तरह से एक्सिस बैंक के एटीएम कार्ड से बैलेंस चेक किया था। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा लाइव दिखाया। अगर वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। मैंने कोई कन्फ्यूजन कमेंट करो नीचे पूछिए।